हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्ष्य। आज के इस वीडियो में हम MongoDB का प्रैक्टिकल नंबर 3 परफॉर्म करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं हमारा एम क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा NGT के प्रैक्टिकल्स, तो इसमें से हम प्रैक्टिकल नंबर 3 आज परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसका मेन एम है इम्प्लीमेंटिंग एग्रीगेशन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एग्रीगेशन होता क्या है। तो एग्रीगेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ कलेक्शन इन MongoDB। मतलब एग्रीगेशन एक प्रोसेस है जिससे हम डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं कलेक्शन में से। ओके, और एग्रीगेशन करता क्या है, इट प्रोसेस मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न कंप्यूटेड रिजल्ट। मतलब एक बार वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को देखेगा और उसके बाद वो एक कंप्यूटेड रिजल्ट हमें ला के देगा। और एग्रीगेशन इज़ यूज टू ग्रुप द वैल्यूज़ फ्रॉम द मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स और परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द ग्रुप डेटा टू रिटर्न अ सिंगल डेटा। फॉर एग्जांपल, ये लाइन आप समझिए, एक एग्जांपल बताती हूँ, इसे ध्यान से सुनेगा। एक क्लास है, एक क्लास में 50 स्टूडेंट है। ओके, तो आपको बोला है कि मतलब कैसे, देखिए स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स सभी एक ही लोकेलिटी में नहीं रहेंगे, एक ही एरिया में नहीं रहेंगे, उनका सिटी अलग अलग हो सकता है। तो 10 स्टूडेंट का जो सिटी है वो मुंबई है, बाकी 10 का है वो जो पुणे है, एंड बाकी का नासिक और हैदराबाद, ऐसे सिटीज़ हैं उनके। तो अगर आपको बोला जाए कि आप ये मुंबई में जो स्टूडेंट रह रहे हैं, 10 स्टूडेंट, उनका मैक्सिमम एज, मुंबई में से जो स्टूडेंट रह रहे हैं 10 के 10, उनमें से कौन सा मैक्सिमम एज है उसे प्रिंट कीजिए। तो एग्रीगेशन के हेल्प से हम वो कर सकते हैं। एग्रीगेशन से हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट के जो वैल्यूज़ होते हैं उसे ग्रुप करके उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, और उससे हमें एक सिंगल डेटा मिल सकती है। तो एग्रीगेशन के हेल्प से हम ये सब करेंगे। ओके, मैं इसे प्रैक्टिकली कह रही हूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए हम इसे परफॉर्म करते हैं। ओके, अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होगी तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो आज हम 3A वाला प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने वाले हैं। राइट अ MongoDB क्वेरी टू यूज सम, एवरेज, मीन एंड मैक्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैंने अपने नोटपैड में कुछ क्वेश्चंस और लिखे हैं जो कि हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 है और आज का हम परफॉर्म करने वाले हैं सम, एवरेज, मीन एंड मैक्स एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो आपको एग्रीगेशन का सिंटेक्स को याद कर लेना है। ये याद कर लोगे तो आपको क्वेरी लिखने में बहुत ही अच्छा हो जाएगा और सिंपल भी पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, db.collectionName.aggregate, फिर यहाँ पे पैरेंथिस ओपन किया है इन्होंने, फिर बॉक्स वाला ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे $group लिखा है, देन कोलन डाल के कर्ली ब्रेसेस ओपन करके _ID। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मैं ये जो लाइन सिलेक्ट कर रही हूँ ना, इसे अपना रट्टा मार लीजिए, मैं तो कहती हूँ। ये है ना, जब भी आप एग्रीगेशन फंक्शन को जब परफॉर्म करोगे ना, तो ये लाइन हमेशा ही सेम होने वाली है। ये पीछे के पार्ट जो है वो बस चेंज होंगे, आगे के सारे पार्ट सेम ही रहेंगे। तो आप ये वाला लाइन को अच्छे से बाय हेड कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आईडी के बाद यहाँ पे कॉलम टू बी ग्रुप, मतलब कौन से वैल्यू है जिसे हम ग्रुप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने दिया था ना, तो उसमें हम सिटीज़ को एज अ वैल्यू ग्रुप कर रहे थे ना, तो यहाँ पर हम डाल देंगे $city, और यहाँ पे हमारा की क्या था, एज। हमें मैक्सिमम एज फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे एज पास कर देंगे, और देन यहाँ पे जो भी हमारा एग्रीगेट फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल ये 4 हमारे एग्रीगेट फंक्शन है, सम, एवरेज, मीन एंड मैक्स। तो जो भी आपको यूज़ करना होगा वहाँ पे डाल दीजिएगा $max, मीन, एवरेज और सम करके, और उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपको एज पास कर देना होगा, जो कि हमारा वैल्यू होगा। ओके, और यहाँ से सभी कर्ली ब्रेसेस को और बॉक्स ब्रैकेट को क्लोज करके पैरेंथेसिस भी क्लोज कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो आज ये 7 क्वेश्चन परफॉर्म करने वाले हैं, और मैं आपको ये 7 क्वेश्चंस प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगी। तो आप मेक श्योर कि आप ये वीडियो को पूरा देखो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट अ डेटाबेस कॉलेज। तो चलिए मैं डेटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना MongoDB ओपन कर लेती हूँ। तो उसके लिए मेरे को सिंपली फाइल एक्सप्लोरर पर जाना होगा। फाइल एक्सप्लोरर पर जाने के बाद अपने विंडो सी पर जाऊँगी, फिर प्रोग्राम फाइल्स पर जाऊँगी, देन यहाँ से MongoDB सिलेक्ट करूँगी, और यहाँ से सर्वर पर क्लिक करके जो भी आपका वर्जन होगा MongoDB का उस पर क्लिक करना है, देन बिन पर जाना है। मेरा लेटेस्ट वर्जन है 6.0 का, तो मुझे
यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट को अलग अलग ओपन करना नहीं पड़ता है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके ऐसे सीएमडी लिख के सिंपली मोंगो एसएच लिखूंगी तो मेरा क्लाइंट और सर्वर दोनों एक साथ ओपन हो जाएगा। ओके, और अगर आपका 4.0 का वर्जन होगा तो आपको आपको यहाँ पे आके सीएमडी लिख के एक बार मोंगो डी लिखना होगा सर्वर को ओपन करने के लिए, देन वापस सीएमडी को ओपन करके आपको मोंगो लिखना होगा, तभी आपका क्लाइंट साइड ओपन होगा। पर लेटेस्ट वर्जन में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलिए हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था क्रिएट अ डेटाबेस कॉलेज, कॉलेज नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, यूज़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ कॉलेज लिख देती हूँ और यहाँ से एंटर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्विच टू डीबी कॉलेज, मतलब हमारा कॉलेज नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, क्रिएट अ कलेक्शन स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट नाम का एक कलेक्शन बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आऊँगी और लिखूँगी सिंपली डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन और पैरेंथिस ओपन करके डबल कोट्स के अंदर अपना कलेक्शन नेम पास कर दूंगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, स्टूडेंट नाम का कलेक्शन बनाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट लिख देती हूँ और डबल कोट्स से इसे क्लोज कर देती हूँ और यहाँ से एंटर कर देती हूँ। तो ओके वन का मैसेज आ गया है, मतलब हमारा स्टूडेंट नाम का कलेक्शन भी तैयार हो चुका है। और अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है इन्होंने, इंसर्ट 6 डॉक्यूमेंट इनटू कलेक्शन, स्टूडेंट आईडी, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी और एज। तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूँगी डीबी डॉट, हमारा जो भी कलेक्शन नेम होगा वो लिखूँगी स्टूडेंट डॉट इंसर्ट और यहाँ से मैं पैरेंथिस ओपन करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले तो स्टूडेंट आईडी इसको 1 दे देती हूँ, उसके बाद नेम दे देती हूँ, अपना ही नाम डाल देती हूँ लक्ष्मी, देन यहाँ पे एज दे देती हूँ इनको, मेरा एज 20, देन यहाँ पे डिपार्टमेंट दे देते हैं, डिपार्टमेंट है मेरा आईटी, उसके बाद सिटी दे देती हूँ, सिटी मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुंबई, और यहाँ से सैलरी दे देते हैं, सैलरी मैं देती हूँ 40,000। ओके, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके पैरेंथेसिस को क्लोज करके सिंपली एंटर कर देंगे। तो एक्नॉलेज थ्रू का मैसेज आ गया, इसका मतलब हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है। ऐसे ही मैं 5-6 डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे मेंशन किया है क्या, हाँ इन्होंने मेंशन किया इंसर्ट 6 डॉक्यूमेंट इनटू कलेक्शन, तो मैं 6 डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर देती हूँ। ओके फटाफट, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, अभी डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने का है आपको तो आप सभी लाइन को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी डिवाइसेस होंगे ना उसमें एक पेज अप और पेज डाउन का बटन होगा, आपको सिंपली पेज अप करना है। तो जो भी आपका पेज अप या डाउन करके देखना है, जो भी आपका लास्ट क्वेरी होगा ना वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको जो भी क्वेरी चाहिए होगा आप वहाँ से ऐसे अप डाउन करके सिलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हो, आपको बार बार मैन्युअली नया लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है हमारा टाइम जो है वो सेव होता है। ओके, तो मैं फटाफट ये सारे एडिट कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट आईडी टू, नेम होगा मयूरी, इनका एज होगा 27, इनका डिपार्टमेंट HR, सिटी इनका पुणे, सैलरी 35,000। एक काम करिएगा, आप डेटा इंसर्ट करते समय ना 2-3 सिटी को ना सेम नेम देना, क्योंकि मैं बताऊंगी ये क्यों कह रही हूँ, आगे जाके आपको समझ में आएगा। ओके, सभी को सेम मत देना, कुछ कुछ को सेम देना। ओके, तो यहाँ पर मैंने 6 डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर दी हूँ। तो चलिए हम इसे डिस्प्ले कराते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या लिखना होता है, हमें डीबी डॉट हमारा कलेक्शन नेम जो कि है स्टूडेंट डॉट फाइंड फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ से एंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारे डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए हैं, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एज ऑफ स्टूडेंट स्टेइंग इन ईच एरिया। तो हमें मैक्सिमम एज फाइंड आउट करना है, वो भी स्टूडेंट के जो अलग अलग एरिया में रहते हैं। ओके, तो चलिए हम उसके लिए क्वेरी लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूँगी डीबी डॉट जो भी हमारा कलेक्शन नेम होगा स्टूडेंट डॉट एग्रीगेट
और उसके बाद पैरेंथिस ओपन करके, बॉक्स ब्रैकेट ओपन करके कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली लिखती हूँ डॉलर ग्रुप, फिर कोलन डाल के, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करके अंडरस्क्रोल आईडी इज इक्वल्स टू, देन अगेन कर्ली ब्रेसेस ओपन करके यहाँ पे अंडरस्क्रोल आईडी लिख के कोलन डालूंगी। फिर यहाँ पे कौन सा हमें कॉलम को ग्रुप करना है, तो हमें सिटीज़ वाले कॉलम को ग्रुप करना है, तो यहाँ पे मैं सिटी पास कर दूंगी। सिटी को मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगी, देन कॉमा। इसके बाद क्या चीज़ हमें डिस्प्ले कराना है, मैक्सिमम एज ना, तो यहाँ पे मैं सिंपली एज को पास करूंगी, देन कोलन, एज हमारा हो जाएगा की, देन कोलन पास करूंगी। देन यहाँ पे से कर्ली ब्रेसेस ओपन करके हमारा एग्रीगेट फंक्शन लिखते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैक्सिमम एज दिखाना है, तो यहाँ पे मैक्स वाला फंक्शन का यूज़ करेंगे, देन कोलन डाल देंगे और यहाँ डबल कोट्स के अंदर हमारा वैल्यू पास कर देंगे एज, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके सभी कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे प्रॉपरली, और ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस को भी, और यहाँ से एंटर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा आउटपुट आ गया है। अभी सबसे पहले तो मैं आपको आउटपुट समझाती हूँ। मैंने आपको जब डेटा इंसर्ट कर रहे थे तभी मैंने कहा था कि आपको कुछ कुछ डेटा में सिटीज़ जो है उसे सेम देना है। मैंने क्यों कहा था, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है मुंबई में जो मैक्स एज है वो 21 है, तो हम देख लेते हैं हमारे डेटा में मुंबई सिटी कितना बार आया है, 1, 2, दो बार मुंबई सिटी आया है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आईडी 1 और स्टूडेंट आईडी 3 का है वो सेम मुंबई है इनका एज, तो इनमें से एक का एज 20 और एक का एज 21 है। तो यहाँ पे इसने किया क्या है, दोनों में से जो भी मैक्स एज है सिर्फ वही प्रिंट किया है। फॉर एग्जांपल ये पुणे वाला समझिए, देखिए मैंने पुणे वाले जो सिटीज़ है उसके भी दो दो डेटा इंसर्ट किए। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट आईडी 2 और स्टूडेंट आईडी 5 को देखिए, स्टूडेंट आईडी 2 का एज है 27, स्टूडेंट आईडी 5 का एज है 28, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने 28 प्रिंट किया। ये दोनों में से इन्होंने कंपेयर किया और जो मैक्स था ना वो उन्होंने प्रिंट करके दे दिया। तो ऐसे एग्रीगेशन के हेल्प से हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करके एक कंप्यूटेड रिजल्ट दे सकते हैं। ओके, तो अभी आपको समझा। चलिए हम मिनिमम और सम और एवरेज सभी के कोड्स भी लिखते हैं और देखते हैं, उसे भी समझते हैं कैसे क्या होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द मिनिमम एज ऑफ स्टूडेंट स्टेइंग इन ईच एरिया। तो मैं वही वापस करूँगी, db.collectionName जो है हमारा .aggregate पैरेंथेसिस ओपन करके बॉक्स ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस डॉलर ग्रुप कोलन, देन यहाँ पे से कर्ली ब्रेसेस ऑन करके अंडरस्कोर आईडी कोलन, देन डबल कोट्स के अंदर सिटी, फिर से क्लोज करके हमारा की हमारा एज, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन करके डॉलर मीन इज इक्वल्स टू कोलन एज, और यहाँ से सभी पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे, यहाँ से एंटर। तो अभी ये सेकेंड वाला आउटपुट हम समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो नासिक का दिखाया है, तो नासिक में हमारा नासिक का डेटा एक ही है, तो इन्होंने जो एक एक ही सिटी होते हैं ना सिंगल सिंगल, वो डायरेक्ट उसका मिनिमम एज दे देता है, और जो डबल होते हैं ना उनमें से वो चेक करता है कि कौन सा इनमें से मिनिमम है फिर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये मुंबई वाला ही देख लीजिए आप, मैंने कहा था स्टूडेंट आईडी 1 और स्टूडेंट आईडी 3, देखिए इनमें से मिनिमम एज किसका है, मिनिमम एज स्टूडेंट आईडी 1 का है, तो इन्होंने हमें क्या दिया है, स्टूडेंट आईडी 1 प्रिंट किया है, देखो एज 20। ओके, और पुणे वाले में से भी एक बार देख लेते हैं, ये देखिए स्टूडेंट आईडी 5 और स्टूडेंट आईडी 2 को देखिए, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आईडी 2 का एज है 27 और स्टूडेंट आईडी 5 का एज है 28, और दोनों ही पुणे सिटी में रहते हैं, तो इनमें से इन्होंने मिनिमम हमें दिया है 27 वाला एज। तो आपको समझ में आया, अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होगी ना तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी हमारा 6th वाला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट स्टेइंग इन ईच एरिया। तो इसके लिए भी मैं कोड लिख देती हूँ, तो यहाँ पे मैं सभी चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ हमारा एग्रीगेट फंक्शन चेंज होगा, और यहाँ से मैं AVG लिख देती हूँ और यहाँ से एंटर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एवरेज वाला है उसका आंसर आ गया है, तो मैं इसे आपको समझाती हूँ। एवरेज करता क्या है,
एवरेज जो है वो डेटा, फॉर एग्जांपल ये मुंबई वाली को समझिए, देखिए हमारा स्टूडेंट आईडी 1 और स्टूडेंट आईडी 3, इनमें इनका सिटी सेम है तो इनका वैल्यू इन्होंने हमें क्या दिया है 20.5। तो ये आया कैसे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, स्टूडेंट आईडी 1 और स्टूडेंट आईडी 3 इसका जो एज है ना, इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपके सामने दिखाती हूँ एवरेज करता क्या है एक्चुअल में, जो भी डेटा होता है जैसे 20 और 21 एज था हमारा, दोनों मुंबई में रहते हैं वो स्टूडेंट का, उसको हम सबसे पहले ऐड करेंगे और कितने वैल्यू से हमारे 20 और 21 ना, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या है 20.5। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 20.5। सेम वैसे पुणे का समझिए, यहाँ पे देखिए पुणे का कौन से हमारे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी 2 है जिनका एज है 27 और स्टूडेंट आईडी 5 है जो कि वो भी पुणे में रहती है, उनका एज है 28। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम सिंपली 27 प्लस 28 इसको पहले एंटर कर लेते हैं, 55 आया, 55 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 27.5। तो यहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले दिया है इन्होंने, 27.5। आपको समझा, अगर नहीं समझा होगा तो कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा। ओके, अभी हम सॉल्व करेंगे हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि है कैलकुलेट द टोटल एज ऑफ स्टूडेंट स्टेइंग इन ईच एरिया। ओके, तो इसके लिए हम कोड लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगी, यहाँ पे से सिंपली अपना एग्रीगेट फंक्शन को चेंज कर लूँगी, यहाँ पे सम लिख देती हूँ और यहाँ से एंटर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें आउटपुट दे दिया इन्होंने। तो हम सबसे पहले सिमिलर जो सिटी से उनका देखेंगे, तो मुंबई वाला सिटी जिनका एज का, एक का एज था 20, यहाँ पे देखिए एक का एज था 20 और 21, तो इसने सम कर दिया, मतलब वो दोनों को एडिशन कर दिया, तो उनका एज हो गया 41। ओके, और पुणे वाला का भी देख लीजिए, पुणे वाला का एक हमारा स्टूडेंट आईडी 2 27 और स्टूडेंट आईडी 5 28 एज जो है, उन्होंने एज को ऐड कर दिया, फिर हमें जो वैल्यू है वो दे दिया, और जो सिंगल होते हैं उसका वैसे ही वैल्यू वो प्रिंट कर देता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हम कैसे सम, एवरेज, मीन और मैक्स एक्सप्रेशन को परफॉर्म किए एग्रीगेशन के हेल्प से। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट या इशू होगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।